नौकर समझ के रखे हो क्या? मार देंगे ना। देखिए ना, बाबा का बैंड बज गया। कौन सा काला मेहंदी लगा गया है मूंछ में, छूट ही नहीं रहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है फिर से दीपक महेश्वरी ब्लॉग्स में। सो गाइस, बज रहा है अभी सुबह का 10 और देखिए हम लोग कहाँ पे है, छत में हैं। और आज सुबह सुबह हम दगा गए, बहुत ज्यादा लहर रहा है, धूप देख सकते हैं, गिर गया मेरा हाथ में, गर्म पानी में गिर गया। तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वही है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कुछ लेके खा रही है। देखिए क्या है ये, गेस कीजिए। कोई मिठाई नहीं है, एक मिठाई के जैसा दिख रहा है ना, ऐसा दिखता है एक मिठाई, लेकिन वो मिठाई नहीं है ये है। ये बादाम का मिठाई है, बादाम और गुड़ को कल ला दिए थे ना, सो बाद में बना के खाएंगे बोले, लेकिन ये चटोरी को तो आप जानते हैं, इन लोग को भूख बर्दाश्त नहीं होता इसको, सो बना के देखे खा गए तो? और अभी 4 पीस बचा दिए। चला एक बस डोंट टच मी, ले तो ये मिल सकता है छोटा वाला आपको, इन लोग को कौन देगा इसको, आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं 10 पीस था, 10 में से 3-4 पीस बचा है, बाकी का 6 का पीस थे खा गए। हम एक्स्ट्रा क्या लिए, एक इतना बड़ा, छोटा है मतलब उतना बड़ा भी नहीं है। देखिए इसके लिए कितना रखा हुआ है, मेरा वाला मिल गया। और अभी काफी ज्यादा धूप है, और ये एल्बम सॉन्ग के लिए डांस स्टेप सीख रहे थे, हल्का फुल्का सीखे, हंसी आएगा, हम लोग हंस हंस के मेरा पेट दर्द देने लग गया, ऐसे डांस करते हैं नहीं, बट कोई नहीं, सीख जाएंगे अच्छे से। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मेहमान लोग आएंगे बहुत सारे, लड़का लड़की यही सीखेंगे ना अभी फिलहाल, तो इसको हम पूरा साफ करेंगे, छत को, घर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो आप लोगों को हम दिखा दें कि घर कैसा गंदा हो गया है, यहाँ पे बहुत सारा गंदा सब है, देख सकते हैं इधर चूल्हा, इधर इतना गंदा यहाँ पे है ना कि पूछिए मत। और सबसे ज़्यादा गंदा तो यहाँ है, देखिए कोई मेहमान उमहान आएंगे तो क्या सोचेंगे कि लोग का घर, ये लोग का छत कैसा रहता है, देखिए इतना खराब है। तो चलिए हम लोग दोनों साफ करेंगे, इतना करके। गंदा हो गया है कि कोई मेहमान भी आए तो फिर सोचने लगे कितना ही लोग गंदा रहता है घर को। तो चलिए हम लोग अभी साफ करेंगे, देखिए इतना सारा गंदा है, अभी इतना साफ करना पड़ेगा। उधर बाहर देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए बाहर इतना गंदा है, उसको अभी साफ करेंगे, घर को भी करेंगे और पूरा चकाचक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देख सकते हैं कितना कचरा है, इधर पंखा देखिए, ये वाला पंखा ख़राब तो नहीं है लेकिन पानी घुस गया था, सो ठंडा का दिन आ गया तो पंखा इसलिए ऊपर रख दिए खोल करके। और देख सकते हैं इधर साफ़ सफाई कैसे चल रहा है। अभी फ़िलहाल तो चावल को देखिए, चावल था यार, एक बोरा चावल था हम लोग के पास, चूहा खा के ख़त्म कर दिया पूरा। झोला में इतना सारा था, एक झोला जैसा, उसको चावल को घुसा लिया उधर अंदर, खा गया, खा के ख़त्म कर दिया। अरवा वाला चावल था, देखिए क्या क्या सामान है, बोतल सब है, डब्बा, जूता, चप्पल, बॉल, फुटबॉल, ये सब है पुराना। गाइस आप लोग देख सकते हैं, देखिए लग रहा है जैसे कौन सा कूड़ा कदान में आ गए। देख रहे हैं ना गाइस, ये कम से कम 1 साल से रखा हुआ था, समेट के मतलब रखा हुआ था, और देखिए चूहा सब इसके अंदर क्या क्या ले गया, ऊपर से पुराना बोतल सब हो गया, ये बोरा सब हो गया, इस पर कुछ कुछ साबुन सर्फ ये सब रखा हुआ, जैसे अभी भी साबुन है वहाँ पे, देखिए देखिए कितना एकदम कूड़ा कचरा में आ गए जैसा लग रहा है। पूरा साफ करेंगे इसको अभी, के बाद आप लोगों से मिलते हैं, रुको। देख सकते हैं पूरे जोरों शोरों से सफाई चालू है, और सफाई करते करते हमको क्या मिला, देखिए पुमा का जूता, ओरिजिनल ब्रांड, और एक चीज मिला गाइस, गाइस हमें मिला चिराग, ये चिराग मिला हमको, देखो गाइस इसको कौन कौन बचपन में चिराग समझता था कमेंट करना, ठीक है, आप समझते थे चिराग, जानते अलादीन का चिराग, तो गाइस सो गाइस इसको रगड़ने से ना इससे जीनी निकलेगा, अभी देखिएगा ठीक है, हम रगड़ेंगे अभी, रुकिए रगड़िए इससे, रगड़ो ना इसको, रुकिए हम रगड़ते हैं गाइस, अभी देखिएगा जीनी निकलेगा। तो गाइस हमें चिराग मिला है, अभी 2-3 में हम मेरा विश पूरा होगा, देखिए हम रगड़ रहे हैं इसको, देखिए एक जीनी निकला, बहुत ही भद्दा जीनी, अजीब जीनी जो गमछा पहना हुआ है, इसको बोला जा, इसको बोलते हैं हम लोग का देसी जीनी, तो बताइए
क्या तुम ये जीनी से हम विश मांगेंगे गाइस, जो कि कोई काम का तो लग नहीं रहा है, बट हमको लगता है ये मेरा विश पूरा करेगा। तो बोलो क्या चाहिए तुमको। हम चाहते हैं कि ये कचरा सारा तुम साफ करो। नौकर समझ के रखे हो क्या, देंगे ना। ये तो गलत जीनी है गाइस। तो मेरा दूसरा विश ये है कि क्या है मेरा दूसरा विश, उनका और तीन विश चाहिए। विश चाहिए, लास्ट विश है गाइस कि हम लोग का जल्दी से जल्दी 100K हो जाए। ये पूरा हो जाएगा। चलो जिनी की जय हो, जिनी की जय हो, जिनी की जय हो, जय हो जिनी की। ये हो जाएगा, ये आप लोग करेंगे, हम नहीं। लेकिन ये पहला और दूसरा बोले ना, वो इससे मिलेगा इनको, नहीं कुछ। हमारा जिनी इस टट्टी टाइप का गंदा सा चिराग में कैद था, जो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह। आप लोग देख सकते हैं जीनी मेरा विश पूरा करने में लग गया है, और देख सकते हैं कि मेरा विश पूरा हो रहा। पहला वाला सारा कचरा, सारा सारा कुछ यही साफ सफाई कर रहा है, देख रहे हैं। देखिए ना, बाबा का बैंड बज गया। कौन सा काला मेहंदी लगा गया है मुझ में, छूट ही नहीं रहा है, पूरा ब्लैक हो गया। देखिए तभी से चुड़ा रहे। मम्मी को बड़ा इंजॉयमेंट लग रहा है बात को लेकर के, देख रहे हैं। दिखा बार 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 कुछ बोल, का के लगाए दल छूटते नखे, दिमाग खराब साला। पूरा कोरिया हो गेला एकदम बैंड बज गया, तो गाइस आधे घंटे के मेहनत के बाद में हमारा रूम कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप लोग को बैक कैमरा से दिखाते हैं, आप लोग को यकीन नहीं होगा। अभी एक रूम दिखा है ना, बाहर का दिखाएंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे कि यार इतना गंदा कैसे साफ कर दिया। सो दिखाते हैं आप लोग देख सकते हैं हमारा मेहनत के बाद, एक घंटे के मेहनत के बाद देख सकते हैं पूरा रूम एकदम चकाचक हो गया है। उतना ज़्यादा खास साफ नहीं हुआ, बट साफ हो गया, मतलब ओके ओके। सारा लकड़ी को यहाँ रख दिए ताकि वहाँ पे कचरा ना रहे। सो बाहर का दिखाएंगे अभी कुछ देर में, बाहर भी साफ़ हो रहा है। तो रूम देख सकते हैं साफ़ हो गया पूरा, सामान वान सब अपने जगह में रख दिए, मशीन अपने जगह में है। सो गाइस आपको बाहर का दिखाते हैं। तो गाइस आधा एक घंटे के कड़ी मेहनत के बाद में हम लोग का रूम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप लोग को बैक कैमरा से दिखाते हैं तब आप लोग को यकीन होगा। और गाइस बाहर रूम में जो कचरा था ना, वो तो इतना अच्छा साफ़ हो गया ना कि पूछिए मत। तो पहले तो इसको दिखाते हैं, देखिए आप देख सकते हैं रूम कितना मस्त हो गया है। फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, रुकिए देखिए गाइस। थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है क्योंकि अंधेरा है ना, तो अंधेरा में फ्लैश लाइट कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। सो सारा चीज़ अपने अपने जगह में हो गया, और इधर वॉशिंग मशीन जो था अपने जगह में वहीं पे। सो बक्सा देखिए वहाँ पे, उसके ऊपर पंखा, फिर देखिए कितना एकदम साफ हो गया पूरा। और लकड़ी देखिए गाइस, ये लकड़ी बाहर का लकड़ी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो गया था, तो फिर ये बर्बाद तो नहीं करना ना, क्योंकि चूल्हा में कभी कभी खाना बना के हम लोग खाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लकड़ी को जमा करके रख दिए ताकि फिर बाद में यूज़ करेंगे। अभी बाहर का साफ़ सफाई चल रहा है। सो ये रूम तो पूरा एकदम चकाचक हो गया है, बाहर का देखेंगे तो आप लोग और भी चौंक जाएंगे, पूरा एकदम पूछिए मत इतना साफ़ हो गया ना। देखिएगा आप लोग अभी अंदर रूम का तो आप लोग देख लिए, बाहर का देखिए किस तरह का साफ़ हुआ है। बैक से दिखाएं, ओके बैक से दिखाते हैं। पहले तो इनको दिखाते हैं, इनका हालत ख़राब हो गया है पूरा, एकदम साफ़ सफाई करते हैं। सो देख सकते हैं किस तरह का साफ़ किए हैं। यहाँ पे था वो वाला लकड़ी, बाप रे वो वाला लकड़ी यहाँ पे था, उसके अंदर कितना कचरा गिरा। वो कचरा को हम लोग देखिए यहाँ वहाँ नीचे फेंक दिया, आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, वाइट कलर का जो दिख रहा है ना उस पर पूरा भर दिए। सो गाइस अभी देख रहे हैं साफ़ करने के बाद कुछ इस तरह का छत दिख रहा है। ये देखिए कमेंट में बताइए गाइस इसको कितना साफ़ करने में मेहनत लगा होगा। सोच सकते हैं आप लोग कितना कचरा था यहाँ पे, आप लोग देखे थे ना। सो इमेजिन कीजिए गाइस कि कितना मेहनत लगा हम लोग को साफ़ करने में दोनों को मिल करके। और अभी साफ़ करते करते गाइस अभी बहुत देर हो गया, एकदम पूछिए मत इतना टाइम हो गया ना। सो अभी क्या करेंगे कि अभी जाएंगे नीचे, उसके बाद फिर देख रहे पूरा थक गई, काला काला लग गई पूरा, थक काफ़ी गंदा हो गया। मेरा भी वो स्वेटर गंदा हो गया, उसको रख दिया वहाँ। गाइस आप लोग जानते हैं कितना मेहनत लगा, कोई आराम का काम तो नहीं था, इतना सारा कचरा था आप लोग पहले देख सके हैं कुछ सेकंड मिनट पहले। काम करते करते शाम बहुत टाइम हो गया एकदम उसको साफ करते करते गाइस। सो मेहनत बहुत ज़्यादा किए तो ये पसंद आएगा, एक लाइक तो बनता है गाइस। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अभी कैसा लग रहा है, फिर से देख लीजिए पीछे तरफ देखिए। So साफ सुथरा अंदर से लेकर पूरा बाहर साफ कर दिया गाइस, यही साफ किए हैं हम, मदद किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा साफ किए हैं ना तो ये किए हैं। झाड़ू करना,
पानी से पूरा एकदम पूरा साफ सफाई जितना कुछ है ना सारा कुछ ये सारा मम्मी अंदर किए थे समझे। हम मम्मी को लेने चल गए थे उस टाइम में, ये उधर उधर काम कर दी। सो अभी बहुत ही ज़्यादा साफ हो गया रूम। सो वीडियो को शेयर करना, पसंद आएगा तो जैसा बोले लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं से एंड करेंगे। काफी और मेरे लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको अच्छा लगे, हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।